हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में DSSSB PRT TGT PGT जिनके में सेक्शन में भी टीचिंग मेथोडोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको आप कहते हो वो सेक्शन है पार्ट बी का। तो आप यहाँ से फुल मार्क्स आप पा सकते हो, बस अच्छे से चीज़ों को करते जाइए। तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो लगभग 7 वीडियो मतलब 150 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 20-20 क्वेश्चन डेली करते हैं और आज के इस वीडियो में हम फिर से PY की सीरीज का टॉप 20 क्वेश्चन लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो चलिए कवर करते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अधिगम से बच्चों को निम्नलिखित में से किसके विकास को बढ़ावा मिलता है। तो जो पर्यावरण अध्ययन है या बच्चे पर्यावरण पढ़ते हैं उससे इनको क्या विकास या किस चीज़ का विकास होता है। तो इसमें पहला है उनकी टिप्पणियों और विचारों का वर्णन और संचार करने के लिए एक भाषा है, ये अपने पर्यावरण के बारे में जानने और समस्या के समाधान खोजने के लिए आवश्यक कौशल है। तो बिल्कुल सही है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए तथा दोनों कि उनकी टिप्पणियाँ और विचार, उनके जो थॉट प्रोसेस है, वो उनका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है एक भाषा के रूप में। वहीं अपने पर्यावरण के बारे में जानने, बिल्कुल अब पर्यावरण क्यों पढ़ते हैं भाई, अपने पर्यावरण के बारे में जानते हैं और समस्या समाधान खोजने की जो स्किल है वो डेवलप होती है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है गणित अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी स्व मूल्यांकन की तकनीक है। तो गणित अधिगम मैथमेटिक्स जो है उसमें लर्निंग में हमारा कौन सा स्व मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट का एक टेक्निक है। तो पहला है छानबीन, दूसरा है तुलना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों बिल्कुल, मतलब अगर हम किसी चीज़ की छानबीन कर रहे हैं तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, स्व मूल्यांकन या सेल्फ असेसमेंट, और या किसी चीज़ का कंपेरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों के बीच में, तो ये भी आ जाएगा हमारा स्व मूल्यांकन के अंतर्गत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हैज़ बीन अप्लाइड इन डेवलपिंग सेवरल टेक्नोलॉजीज ऑफ टीचिंग, क्या ऐसा अप्लाई होता है कि जो टीचिंग के टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करने के लिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या ऑपरेंट कंडीशनिंग हैज़ बीन अप्लाइड इन डेवलपिंग सेवरल टेक्नोलॉजीज ऑफ टीचिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। छात्रों को विषम योग्यता से समूहित करना हो सकता है। पहला है छात्रों को अन्य छात्रों की धीमा या उन्नत के रूप में लेबल करने में रोकने में मदद करना। दूसरा है केवल मेधावी छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केवल वन। तो इसका मतलब है कि जो छात्रों को विषम योग्यता को समूहित करना का मतलब ये है कि छात्रों को अन्य छात्रों की धीमा या उन्नत के रूप में लेबल करने रोकने में मदद कर रहे हैं आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की ह्यूरिस्टिक पद्धति से संबंधित है। तो अधिगम की ह्यूरिस्टिक पद्धति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो ए हो जाएगा अन्वेषण विधि। क्या अन्वेषण विधि हो जाएगी जो कि ह्यूरिस्टिक मेथड से रिलेटेड है। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप वास्तव में अपने राज्य या क्षेत्र में पर्यावरण को कुछ अस्थायी नुकसान देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वह नुकसान कौन है। तो आप अपने राज्य या क्षेत्र में, जो जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो पर्यावरण के कुछ नुकसान हैं आप देखते भी होंगे, तो उसमें से कौन सा है। तो पहला है समुद्र ऊपरी मिट्टी नदी से बह जाती है और नदी के तल में जमा हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। और दूसरा है पौधों और जानवरों की प्रजातियाँ की पद्धति और रासा रोमांचिक विविधता मर गई है और अस्थायी रूप से हमारे लिए खो गई है। तो इसका राइट बिल्कुल ए हो जाएगा, ए तथा दोनों कैसे भाई, समृद्ध समुद्र ऊपरी मिट्टी नदी में वह बह जाती है, जो ऊपरी मिट्टी लेयर होती है उसका इरोजन हो जाता है और नदी के तल में जमा हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आती है। वही पौधों और जानवरों की प्रजातियाँ की समृद्ध और रोमांचिक विविधता मर गई हैं। तो जो पौधे हैं, जो प्रजातियाँ हैं, कई प्रजातियाँ आप देखेंगे विलुप्त हो गई हैं। ठीक, तो ये दोनों देखते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में ICT टूल्स का उपयोग नहीं है। तो ICT टूल्स, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला है कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना, दूसरा है जानकारी एकत्र करना और साथियों के बीच प्रसार करना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो। ठीक, क्योंकि उपयोग नहीं है ये पूछा है। ठीक, इसमें उपयोग हो रहा है दोनों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थी किन उपकरणों से वास्तविक परिस्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो विद्यार्थी किन उपकरणों से वास्तविक परिस्थिति का लगभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिचुएटिंग उपकरण। ठीक,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कवि उनके साहित्य से सुमेलित है? तो कौन से कवि सुमेलित? तुलसीदास, रामचरितमानस, जायसी, गीतावली। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई, केवल वन। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, ठीक। क्या? तुलसीदास जी ने। आगे चलते हैं, पर्यावरण अध्ययन एक मिश्रण है। पर्यावरण अध्ययन एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है भाई? तो पहला है पारंपरिक विज्ञान, दूसरा है सामाजिक मूल, तीसरा है पर्यावरण के प्रति जागरूकता। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा तथा तीसरा। पारंपरिक विज्ञान भी है, सामाजिक मूल्य भी हम पर्यावरण से सीखते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी सीखते हैं हम पर्यावरण पढ़ने से। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी का प्रकार विवरण को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है खड़ी बोली, हिंदी के इस रूप को वर्तमान में मानक हिंदी माना जाता है, और दूसरा है हिंदुस्तानी, इसमें हिंदी तथा उर्दू दोनों रूप शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों। बिल्कुल, जो खड़ी बोली होती है हिंदी के इस रूप को वर्तमान में हिंदी की मानक भाषा मानी जाती है, और हिंदुस्तानी क्या है भाई, इसमें हिंदी तथा उर्दू दोनों रूप में शामिल है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आज का हमारा, उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। तो इसका राइट आंसर सीपीयू भाई, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट भाई। सीपीयू जो होता है वो किसी चीज़ को इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट भी करता है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, स्कूली शिक्षा को प्रारंभिक चरण में गणित सीखने का प्रकृति क्या है? तो पहला है स्थूल एवं संदर्भ संबंधी समझ ही गणित में बच्चों की शुरुआत की समझ है। दूसरा है मूर्त तत्वों के साथ हस्त कौशल बच्चे को गणितीय अवधारणा एवं प्रक्रिया को रचनात्मकता प्रदान करता है। तो बिल्कुल, जो स्कूली शिक्षा में जो प्रारंभिक चरण में गणित सीखते हैं उसकी नेचर कैसा है? स्थूल एवं संदर्भ संबंधी समझ ही गणित में बच्चों की शुरुआत की समझ है। बच्चे बेसिक चीज़ों को सीखते हैं, मूर्त तत्वों के साथ हस्त कौशल बच्चे को, आप मूर्त चीज़ें दिखाइए उनके सामने, ऑब्जेक्ट की चीज़ें दिखाइए और हस्त कौशल, ठीक, बच्चे को खुद करने का मौका दीजिए चीज़ों को, तो ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं और ये प्रोसेस है उनमें क्रिएटिविटी पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक, डी दोनों। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुंडा परिवार से संबंधित है? तो मुंडा भाई परिवार, मुंडारी और संथाली, तो मुंडा जो बोलते हैं वो संथाली भी बोलते हैं और मुंडारी भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो इसमें कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उदंत मातरंद, या उदंत मातरंद हिंदी समाचार का पहला पत्र था। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, जब बच्चे सुने और पहचाने गतिविधियाँ करते हैं तो वे क्या होते हैं? पहला है एक बुनियादी भाषा कौशल सुनने का अभ्यास कर रहे हैं, दूसरा अपने शब्दावली का विकास कर रहे हैं। तो बिल्कुल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों, एक बुनियादी भाषा कौशल सुनने का अभ्यास कर रहे हैं बिल्कुल, और वे अपनी शब्दावली, अपने वर्ड्स जो है सेंटेंसेस बोलने का विकास कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है भाई, इसमें शिक्षक की निम्नलिखित में से क्या भूमिका है? समस्या की स्थिति बनाएं, कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाएं, और तीसरा है समस्या को समझने, परिभाषित करने और उसे बताने में छात्र की सहायता करेंगे। तो इसका राइट आंसर तीन हो जाएगा भाई। तो अगर समस्या शिक्षक जो है, शिक्षक की भूमिका समस्या समाधान में किस रूप से है? तो पहला है समस्या की स्थिति बनाए रखें ताकि बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो, कक्षा में भयमुक्त, बिल्कुल बच्चा कोई डरे ना, बेहिचक कोई भी चीज़ पूछना चाहे तो आपसे पूछ ले, और तीसरा है समस्या को समझने, परिभाषित करने और उसे बताने में छात्र की सहायता करें, ठीक। तो इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा, बी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, प्याजे की संज्ञानात्मक विकास को निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सही सुमेलित है? पहला है सेंसरी मोटर, मतलब इंटेलिजेंस संबंधित मोटर गतिविधियाँ, और दूसरा है कंक्रीट ऑपरेशन, मतलब प्रस्तावक सोच। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केवल वन, ठीक। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, इंटेलिजेंस संबंधित मोटर गतिविधियाँ इसमें होती हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, एल एम प्लस एन अपॉन टू माइनस एफ अपॉन एफ एम इंटू आई, माध्यमिक माध्यक परिकलित करने का सूत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है पूर्ण सममित बंटन में बाहुलक के अनुमानित मान परिकलित करने के लिए सूत्र है, बाहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यक इंटू 2 इंटू माध्य। दूसरा है रेंज डाटा में सबसे बड़े और सबसे छोटे अवलोकन के बीच का अंतर है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई, जो रेंज होता है, ठीक है,
जो रेंज का फार्मूला होता है, तो मतलब छोटे छोटे से बड़े को घटा दीजिए तो आपका रेंज निकल आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आज का जो 20 टॉप 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस। ऐसे ही लगभग हम लोग 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आपका जो पार्ट बी है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।